हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर अब बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है और इस बार मुकाबला देखा जाए तो काफी कड़ा भी है। शिमला संसदीय सीट की ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की वादियों और पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर शिमला संसदीय सीट एक अहम सीट। ये सीट आरक्षित सीट है और इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल 12 में से 8 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2009 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला था और वीरेंद्र कश्यप जीते थे। 2014 में भी वीरेंद्र कश्यप ने जीत दर्ज की थी। कौन कौन है उम्मीदवार? बीजेपी के सुरेश कश्यप, कांग्रेस के धनीराम शांडिल। शिमला की खोज अंग्रेजों ने साल 1819 में की थी। साल 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की गर्मियों की राजधानी घोषित किया गया था। फिलहाल शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पर्यटन पर निर्भर करती है। यहां देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। शिमला लोकसभा सीट के तहत 3 जिले शिमला, सिरमौर और सोलन की 17 विधानसभा सीटें अर्जी, नालागढ़, दून, सोलन, कसौली, पच्छाता, नाहन, श्री रेणुकाजी, पौंटा साहिब, शिलाई, चौपाल, ठियोग, कांसुप्ती, शिमला और शिमला ग्रामीण, जुबल कोटखाई, साथ ही रोहड़ू शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में इस सीट से बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप दूसरी बार सांसद बने थे। उन्होंने कांग्रेस के मोहन लाल को 84,000 वोटों से हराया था। वीरेंद्र कश्यप को 3,85,000 और मोहन लाल को 3,01,000 वोट मिले थे। इस बार मुकाबला यहां पर कड़ा है और ऐसे में देखना होगा कि कौन बाजी मार ले जाता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।